महीने ईएमआई देने के लिए पैसे नहीं है। सर मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? सर मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, मैंने उसको यूज कर लिया, मैं चाहता हूं कि मैं इसका पैसा दूं, लेकिन मैं चाहता हूं 2 महीने के बाद दूं। सर पर्सनल लोन की ईएमआई जो है ना बहुत ज्यादा हो गई है, मैं क्या करूं? तो दोस्तों बिना सोचे समझे आप ले लेते हैं लोन या क्रेडिट कार्ड। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आपने लोन ले लिया है औकात से ज्यादा, बिना सोचे समझे आपके कंपनी के बाहर खड़े हुए लड़कों ने लोन दिला दिया और आपको लोन के ट्रैप में फंसा दिया है, इनकम कम हो गई है, खर्चे ज्यादा हो गए हैं, जिंदगी जीने के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो कैसे चुकाएं कर्ज आसानी से, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में पूरे 9 के 9 स्टेप पॉइंट टू पॉइंट। तो आप लोगों का कर्जा ज्यादा हो गया है, चाहते हैं कि आप उस कर्जे को खत्म करें, तो क्या तरीका होना चाहिए कि आपका कर्जा भी खत्म हो जाए, सिविल भी खराब ना हो और आपकी जिंदगी अच्छी हो जाए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके सिर पर किसी भी तरह का कर्जा हो, क्योंकि दोस्तों कहावत है कि कर्ज खाया और आदमी किसी से नजर उठा के बात नहीं कर सकता है। जीवन में हमेशा वह नहीं मिलता जिसकी हम इच्छा करते हैं। आपके जीवन में कोई जॉब कट हो गई है, बिजनेस किया, बिजनेस में आप फेल हो चुके हैं, आपके घर में अचानक ऐसी विपत्ति आ गई है कि बीमारी में बहुत पैसा खर्चा हो गया है और आपने क्रेडिट कार्ड या लोन लेके वो पेमेंट को कर दिया है और अब आप ट्रैप में फंस गए हैं। पहले सोचा कि यार ईएमआई है, भर देंगे, ईएमआई है, भर देंगे, ईएमआई है, भर देंगे, लेकिन ईएमआई बहुत सारी ईएमआई आ गई है और अब आपको लग रहा है कि यार अब मैं इन ईएमआई से कैसे छुटकारा पाऊं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, क्योंकि दोस्तों ऐसी स्थिति जब आदमी के पास आ जाती है कि इनकम कम हो जाता है, खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, तो उसकी नींदें, रात की नींदें हराम हो जाती है, उसका जब दिमाग है ना काम करना बंद कर देता है, चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वह छोटी सी उम्र में बूढ़े जैसा लगने लग जाता है। कहा बता ना, चिंता चीता के समान होती है और वह चीता वाली बातों को फेस करने लग जाता है। आदमी आशावादी जो आशा पे कल तक ईएमआई भर रहा था, निराशावादी के घोर अंधकार में डूब चुका होता है और उसकी बुद्धि है ना सोचने समझने की जो चीजों को छोड़ चुकी होती है, वो सोचना समझना भूल चुका होता है और दोस्तों इसमें वह क्या करे, वो सोच सोच के परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों उसको एक बात का पता होना चाहिए कि अगर वह अंधकार में डूब चुका है तो अंधकार के बाद उजाला आता है, उसको अपने लोन का या क्रेडिट कार्ड का प्रबंध करना चाहिए, डेब्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। और डेब्ट मैनेजमेंट कैसे होता है नहीं पता है तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है, आइए हमारी टीम आपको बताएगी कि कर्ज के जाल में फंसे हैं तो कैसे कैसे निकल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 तरीके, यानी कि वो तरीके जिससे आपका लोन आसानी से चुक जाए। तो सबसे पहला तरीका दोस्तों नोट कर लो कॉपी में, अपने लोन को समझो। जी हाँ दोस्तों, आपके पास क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, कैसा भी लोन है, आपको अपने लोन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए। यदि आपके पास ऐसा लोन है जिसका ईएमआई, आप लोग अपनी ईएमआई करते रहते हैं लेकिन आपको ये तारीख पता नहीं होती कि किस तारीख को मेरी कौन सी लोन की ईएमआई कटेगी और इसकी वजह से आप अपने अकाउंट में पैसा मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण शॉर्ट मनी की वजह से भी आपका ईएमआई बाउंस हो जाता है, तो आपको एक एक लोन की ईएमआई की तारीख को याद करना है कि 1 तारीख को कितना अमाउंट कटेगा, 5 को कितना कटेगा, 7 को कितना कटेगा, 10 को कितना कटेगा, ताकि आप उस अमाउंट को उस अकाउंट में रख सकें, ताकि आपकी ईएमआई बाउंस न हो, लोन आपका हमेशा स्टैंडर्ड रहे। यदि आपके पास इनमें से किसी पर्सन का उत्तर नहीं है कि भाई मेरे पास कौन सी तारीख को लोन कटना है, तो आप अपना ऑनलाइन लोन खाता खोल सकते हैं। हर कंपनी का एक लोन एसेट ऐप होता है, वहां पर जाके आप अपनी ईएमआई की डेट को देख सकते हैं। जब आपके पास एक से अधिक लोन हो तो आप उसकी ट्रैकिंग को बकायदा कॉपी पे रख के आप अपने लोन को मैनेज कर सकते हैं। तो आपको अपने लोन के बारे में समझना जरूरी है। दूसरा तरीका दोस्तों, आपको मासिक बजट तैयार कर, हमारे चैनल है मनी की पाठशाला, उसमें हम आपको बजट फाइनेंस के बारे में बताते हैं कि कैसे आपको अपनी जिंदगी में पैसों का प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट करके जीवन को सुखमय बनाना है, ताकि आपको एंड ऑफ द मंथ एंड द ईयर आपको किसी से पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े। चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, मनी की पाठशाला को पता चलेगा कि कैसे कैसे आप अपने बजट को बना सकते हैं।
एक मेरी वीडियो है कैसे पैसों को बचत करने के बाद इन्वेस्टमेंट करें, तनख्वाह आने के बाद कैसे पैसों को खर्च करें ताकि आपकी जिंदगी भिकमंगे वाली ना हो। वीडियो का नाम है 50-30-20। इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब है बजट तैयार करें। आपके पास अपने खर्च के लिए मासिक बजट है। यदि आप अपने बजट का अच्छे से प्रबंध करते हैं तो संभावना है कि आपके पास अपने खर्चों का नियंत्रण करने का पूरा तरीका आपको पता रहेगा। सही बजट के साथ आप अपने केवल अपने खर्चों पर कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि अभी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप कभी भी कर्ज में नहीं डूबेंगे। लेकिन दोस्तों, लोग अपना बजट नहीं बनाते हैं और बजट न बनाने की वजह से न उनको अपना इनकम पता होता है, न अपने खर्चे पता होते हैं। इनकम जब डाउन होगी तो खर्चे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ईएमआई जब बाउंस होने लग जाती है तो लोन उनका नॉन स्टैंडर्ड हो जाता है। इसकी वजह से वो लोग उसमें फंसते हुए चले जाते हैं। बजट बनाए, बजट को देखें कि आपकी इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है तो बैलेंस गुड है। अगर इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। बजट की कुंडली बनाना है तो आप हमारे चैनल को जाकर देखिए, मनी की पाठशाला, सब्सक्राइब भी करिएगा। उसके बाद दोस्तों, तीसरा तरीका, उच्चतम ब्याज दर के साथ अपने कर्ज पर ध्यान दें। अगर आप लोगों ने अपने लोन अकाउंट को देख लिया, आपने बजट बना लिया और देखिए फिर उसमें आपका जो ईएमआई जा रहा है उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने टेन्योर के लिए है, कितना ईएमआई जा चुकी है, क्रेडिट कार्ड कितने हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, उस क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल लिमिट कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप देख के उसमें देखिए कि सबसे ज्यादा ब्याज किसमें लग रहा है। बेशक क्रेडिट कार्ड में सबसे ज्यादा ब्याज लगता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बैंक आपको क्यों देता है, फायदा नुकसान क्या होता है नहीं मालूम होता है तो आप इस वीडियो को जाकर देखिएगा। ये एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको पता चलेगा 40% से 45% का एनुअल आपका क्रेडिट कार्ड पर ब्याज लगता है। सबसे पहले उस क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को आपको क्लोज करना है। उसके बाद पर्सनल लोन जो 12-18% मिलता है आपको, उसको क्लोज करना है। उसके बाद आपको अपने व्हीकल एजुकेशन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या होम लोन को देखना है, यानी कि जो महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन है उसको पहले क्लोज करना है, जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट का है आप उसको बाद में कराएं। आप सपोज करो 40% का लोन आपका चल रहा है क्रेडिट कार्ड से और आपके पास एलिजिबिलिटी है, सोना है घर के अंदर, तो आप उस पे लोन लेके या क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करा के आप उसको ईएमआई पे कन्वर्ट करके फटाफट उसको क्लोज करें जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जा रहा है। चौथा पॉइंट दोस्तों जो है, सबसे कम बकाया राशि वाले लोन को प्राथमिकता दें। प्राथमिकता यानी कि पहले जो सबसे कम लोन है आपका उसको चुकता करें। उसको चुकाने के बाद आपका हो सकता है कि ईएमआई जो जा रहा था उसकी वजह से आपका FOIR फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो ऐड हो चुका था, इनकम और आपका ईएमआई दोनों बराबर हो चुका था, तो जब आप उस लोन को पेमेंट कर देंगे तो आपका FOIR है ना, ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगा। FOIR क्या होता है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस वीडियो को जाके देखिए, लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ाने में बहुत काम करता है। तो दोस्तों, सबसे कम बकाया राशि वाले लोन को प्राथमिकता देकर क्लोज। आपके पास अगर मल्टी लोन है अलग अलग बैंकों से तो आप उनको चाहे तो एक लोन में मर्ज करके यानी सिंगल ईएमआई बना सकते हैं। यानी कि आपने एक बैंक से 1 लाख ले रखा है, दो बैंक से 2 लाख ले रखा है, एक बैंक से 3 लाख ले रखा है, आपकी ईएमआई जाने की वजह से फायर कम हो रहा है, सारे बैंकों के लोन को आप एक करके यानी कि 10 लाख का लोन एक बैंक से लेके छोटे छोटे सारे लोनों को क्लोज करो। 10 लाख की ईएमआई 5 साल के लिए 21,000 के आसपास बनेगी। आप 21,000 की ईएमआई दो, जो आप 5,000 8,000 7,000 दे रहे थे वो खत्म हो जाएगी। हिंदी में कहते हैं ऋण संकेलन का विचार करें। दोस्तों, आपके घर में सोना, चांदी, इंश्योरेंस के पेपर, म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट्स आपको घर बैठे बैठे लोन दिला सकते हैं। आपके घर की जमीन के पेपर आपको लोन दिला सकते हैं। तो अगर आपने महंगे रेट पे क्रेडिट कार्ड या लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, तो भाई ये सारे जो आपके चीजें हैं आप उन पे लोन लेके उन लोन महंगे लोनों को क्लोज करें। ये होता है महंगे लोन को सस्ते लोन लेकर खत्म करना। तो यानी कि आपने अगर महंगा लोन ले रखा है तो सबसे पहले आप उन लोनों को ले जो आपको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है और आप उस लोन को लेके अपने महंगे लोन को क्लोज कर दे। अगला दोस्तों जो काम करना है, सातवां पॉइंट है, लिख लीजिए, कर्ज के लिए अतिरिक्त पैसे चुकाएं। यानी कि अगर आपकी ईएमआई सिंगल है 5,000 रुपए की और आपके पास पैसों की सहूलियत है तो आप उसको डबल ट्रिपल करके अपने लोन को टाइम से पहले क्लोज कराएं, जिसको फोर क्लोजर कहा जाता है। क्या होता है फोर क्लोजर, नई इन्फॉर्मेशन है, इस वीडियो को जाके देखिए पता चलेगा फोर क्लोजर क्या होता है, पार्ट पेमेंट क्या होता है, क्या लगता है लोन पे इंश्योरेंस, कैसे कैसे इंश्योरेंस पे आपको ज्यादा से ज्यादा वो लोग पैसे लेके आपको फंसा देते हैं। तो दोस्तों, आपकी सिंगल ईएमआई 5,000 की जा रही है, इनकम है, तो आप डबल ट्रिपल
सिंपल करके फटाफट उस लोन को क्लोज कराएं, टाइम से पहले क्लोज कराएं। अगला पॉइंट दोस्तों दिमाग में रखने वाले है कि अगर आपका अच्छा सिविल होता है तो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। क्यों? क्योंकि हर टाइम बैंक वाले लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो कॉल कर करके आपको लिक्विडिटी में फंसा देंगे। आप बार बार लोन लेंगे वो अच्छी बात नहीं होती है। तो अपने क्रेडिट स्कोर को ट्राई करने से बचे, यानी कि लोन ना ले, क्रेडिट कार्ड ना ले। अगर कोई भी आपको कॉल करे तो आप उसे मना कर दे, क्योंकि बार बार लोन की लिक्विडिटी बढ़ने से आपका हैबिचुअली आदत बन जाएगी लोन लेने की और आपकी सेविंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जिसके पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड या लोन होता है उसके जिंदगी में सेविंग नाम की, इन्वेस्टमेंट नाम की चीज होती नहीं है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखते हुए अपने लोन को फटाफट क्लोज करना है, पैसों को जोड़ना है, जोर के उन पैसों को इन्वेस्टमेंट करना है। कल तक जो आप बैंकों से लोन या क्रेडिट कार्ड के रूप में अपनी जिंदगी को झंड कर रहे थे ब्याज दे के आप पैसा इकट्ठा करिए और उसको लमसम में या SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करके बैंकों को पैसा दीजिए, ताकि आपकी जिंदगी ऐसी ना हो कि दूसरों से बार बार कर्ज मांगना पड़े। आशा करता हूँ वीडियो में जो बताई बात समझ में आएगी। चैनल में सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। हमारी वेबसाइट www.hktips.com विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। और हाँ, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। फंसे क्रेडिट कार्ड या लोन के ट्रैप में तो डरना घबराने का नहीं है, व्हाट्सएप जो आ रहा है आइए हम बताएंगे कैसे आप बाहर निकल सकते हैं। सी यू।